तो और मेरे भाइयों क्या हालचाल है यार। तो यार आ चुके हैं और न्यू वीडियो के साथ वापस। और यार आज की इस वीडियो में हमारे पास आईपैड का 8th जनरेशन और इसी का आज की वीडियो में पबजी टेस्ट करने वाले हैं। और भाई क्यों करने वाले हैं इसका पबजी टेस्ट, इसका हम पबजी टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, पर भाई इसके अंदर ना आईपैड ओएस 15 का अपडेट आ गया है। तो अपडेट के बाद की परफॉर्मेंस की हम देखने वाले कि कैसी होने वाली है, कैसी नहीं, क्या आपको ये अभी भी लेना चाहिए आईपैड 8th जनरेशन क्या नहीं, और सारा कुछ आपको आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अभी भाई हम वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि एप्पल के काफी सारे प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे परचेज कर लिए हैं, आईफोन 13 वगैरह और आईपैड का 9th जनरेशन, सारे आईपैड वगैरह का कंपैरिजन वगैरह सब अपने चैनल के ऊपर आने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, नीचे बटन दिया होगा रेड कलर का उसको दबा दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कर देना लाइक, और भाई चैनल पे जो सब्सक्राइब रहना उसको 2 लाख फटाफट से पहुंचवा दो भाई। बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, फेस वीडियोज बनाना चालू कर दिया अब। तो भाई सबसे पहले तो इसकी स्पेसिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं, तो जो भी सारे स्पेसिफिकेशन है वो दिख जाएगी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। बात करें इसके चिपसेट की तो एप्पल का A12 बायोनिक चिपसेट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 7 नैनोमीटर वाला। डिस्प्ले की बात करी जाए तो रेटिना का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले 500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। और बात करें डिस्प्ले साइज तो 10.2 इंचेस का डिस्प्ले साइज है। बैटरी कैपेसिटी भाई 32.4 वॉट आवर की, इसमें वॉट आवर की होती है, एमएएच में नहीं देखने को मिलती। बाकी बात करें वेरिएंट तो भाई मेरे पास जो वेरिएंट है 3GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। इसका प्राइस की बात करें तो 37,900 का मैंने इसको परचेज करा था। अभी भाई आपको ये बिग बिलियन डे सेल वगैरह में हो सकता है कि सस्ता वगैरह भी देखने को मिल जाए, तो काफी सारे लोग सोच रहे होंगे तब भी लेने को, भाई तब भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अभी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो आईपैड है उसको मैंने यार 100% तो चार्ज नहीं करा, क्योंकि यार काफी ज्यादा टाइम ले रहा था चार्ज होने में और भाई काफी ज्यादा वीडियो लेट हो रहा था, तो मैंने 50% पे इसको स्टार्ट कर दिया है। बाकी भाई पिछली वीडियो में मैंने 1 घंटे की गेमिंग के बाद इसने 25% बैटरी ड्रॉप करी थी। इस वाले गेमिंग टेस्ट के अंदर देखते हैं कि बैटरी बैकअप बढ़ा है या घटा है, जो भी हुआ है। बाकी सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट मैं आपको दिखा देता हूं, जो मैंने iOS 15 पे इसको अपडेट करा हुआ है, आईपैड ओएस 15 यहाँ पे देख सकते हो अप टू डेट है। तो अभी हम सीधा गेम को चालू करने वाले हैं। BGMI को ग्राफिक सेटिंग में तो वैसे कुछ बदलाव आएगा नहीं, पर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे ही चलता है, बैलेंस प्लस एक्सट्रीम पे भी है, HD प्लस अल्ट्रा, HDR अल्ट्रा और अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा, ये मैक्स सेटिंग है। और अभी स्मूथ सेटिंग पे खेलेंगे और कुछ मैच एंड डे के जो होंगे ना वो अल्ट्रा सेटिंग पे भी खेल के देखेंगे कि अल्ट्रा पे कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है। तो सबसे पहले TDM का मैच स्टार्ट करेंगे, स्टॉपवॉच वगैरह लगा लेते हैं। और हाँ भाई एक चीज और, जो अपनी ब्राइटनेस परसेंट है अपने पूरे टेस्ट के अंदर मैक्स रखने वाले हैं और वॉल्यूम भी मैक्स पे हम खेलने वाले हैं। तो सबसे पहला मैच हमने करा है TDM का स्टार्ट और स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग पे खेल रहे हैं। जायरोस्कोप सेंसर की बात करी जाए तो 400 सेंसिटिविटी मैक्स है, और आईपैड में थोड़ा सा जायरोस्कोप खेलने में ना थोड़ी दिक्कत होती है, पर भाई अगर खेलोगे तो काफी ज्यादा मजा आएगा। और गेम प्ले पे थोड़ा सा कम फोकस देना, क्योंकि यार मेनली मैं फोन्स में खेलता हूँ और बड़ी स्क्रीन पे खेलने में थोड़ा हार्ड रहता है। भाई तेरा कर देगा कुत्ते फील। तो भाई पहला TDM का मैच हमारा कंप्लीट हुआ है विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप, विदाउट एनी लैग्स के, और पहले से भाई काफ़ी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस ही लग रही है पहले के मुकाबले। जब हमने पहले इसमें गेम खेला था तो थोड़ा बहुत गेम में स्मूथनेस कम थी, अपडेट के बाद स्मूथनेस और इम्प्रूव कर दी गई है, तो हाँ भाई पहले के मुकाबले मेरे को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगा है। अभी हम अगला मैच जो करेंगे वो करेंगे क्लासिक का, उसमें भी एक बार चेक करते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है इसकी। कूद गया अकेले, जम करते में फ्रेम ड्रॉप्स नहीं हुए भाई, अकेले कूद गया, बुलाना आ रही है जरा भी। कवर दियो नेड कर रहा हूं, चल डैमेज मैन ऑफ वो डैमेज। तू डैमेज रहे, सूंसा चला दी, तीन तीन बग्गी आ गई। नहीं अपने आप ही मर गया बंदा, वैसे तरीके किली दे जाता।
साला ड्रॉप तो देख। अरे ड्रॉप, हाँ गाड़ी आई है, हर देख के नीचे रही है। अरे रे, अरे यार ज़्यादा बड़ा टेस्ट को नहीं रखेंगे, अब सीधा एक मैच हम कर लेते हैं इसकी मैक्स सेटिंग के ऊपर, और मैक्स सेटिंग के ऊपर भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कैसी है। तो मैक्स सेटिंग करेंगे अल्ट्रा एच डी प्लस अल्ट्रा की, और टी डी एम का मैच हम करेंगे। गाँव का हार गया तू अभी, वैसे भी अभी तेरी बेइज्जती हो जाएगी वीडियो में। वीडियो बोले बंदे बोलेंगे भाई ये कौन पिट रहा है, कह रहा है वो तो तूने मुझे पैसे दे रखे थे कि वीडियो में पिट जाइयो कमीशन। ये बस तो रहा है, तब भी ढिल लिया। थोड़ी सी ब्राइटनेस डाउन हो गई है आईपैड की। भाग रही है, भाग रही है। उधर से पीक दूंगा, बाहर ही ले गया मैं तो उसमें से कैमरा फ्रेम में से। खत्म था, ऑलमोस्ट खत्म था। फिर सुतरी के बैजल के चक्कर में होता। अभी हल्का सा फ्रेम ड्रॉप हुए थे भाई इसमें। आगे आके रिलोड कर ले। एक बार रिलोड करके मार भी दी, इसकी गोलियां चले जा रही हैं। no क्या बुरी तरह मिटा है भाई। ये वाला थंबनेल लगा देता हूँ। तो भाई फाइनली हमारा मैक्स सेटिंग के ऊपर ही मैच हो गया, और पूरी मैक्स सेटिंग के ऊपर सिर्फ एक बार फ्रेम ड्रॉप हमको देखने को मिला, बाकी पूरी ओवरऑल 40 FPS कॉन्स्टेंटली देता रहा है हमारा आईपैड। मैक्स सेटिंग के ऊपर बाद देखते हैं कि कितना पहुंचा है टेम्परेचर आ रहा है। मैक्स 35.7 चल रहा है, ऑलमोस्ट 36 डिग्री मान लो। बैक से चेक करते हैं, बैक से 38.4 पहुंच चुका है, और इधर की तरफ से थोड़ा ज़्यादा हीट चल रहा है ये, क्योंकि इधर ही इसकी चिप है। तो भाई हमको 48 मिनट कंप्लीट हो गए, तो सबसे पहले स्टॉप वॉच को कर लेते हैं, स्टॉप फेंक देते हैं कोने में कू, फेंक दे कोने में कू। और एक बार बैटरी की बात करें तो भाई 22% बैटरी इसके अंदर हो गई है। 49 पे हमने इसको स्टार्ट करा था, मैथ लगाओ कितनी हुई, 6-7 क्या 49 थी, माइनस बच्ची कितनी 22 27% सुपर मैथ। तो भाई अभी एक घंटे की गेमिंग हमको नहीं हुई, मतलब कि ऑलमोस्ट 48 मिनट हमने गेम खेली है, तो 22% बैटरी पे ये आ चुका है, और इसने बैटरी ड्रॉप करी 27%। तो थोड़ा सा बैटरी ड्रेन ना ज्यादा हो चुका है iOS 15 के अपडेट के बाद। तो भाई iPad OS 15 के बाद का जो अपडेट है ना, उसके बाद की गेमिंग परफॉर्मेंस काफी ज्यादा तगड़ी लगी है मेरे को इसकी। बट एक चीज की दिक्कत है कि थोड़ा सा हीटिंग इश्यू इसके अंदर थोड़े से ज्यादा हो गए, क्योंकि परफॉर्मेंस भी तगड़ी मिल रही है ना, तो उस वजह से हीट थोड़ा ज्यादा कर रहा है, और भाई बैटरी भी थोड़ी सी ज्यादा खा रहा है पिछली बार के मुकाबले। तो हल्का फुल्का है, बट गेमिंग परफॉर्मेंस आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, गेम आपकी और ज्यादा तगड़ी चलने वाली है। तो भाई अभी भी आप इसको परचेज कर सकते हो 2021 में। बाकी अभी iPad 9 जनरेशन के साथ भी इसका कंपैरिजन लाने वाला हूं, तो उस वाली वीडियोस के लिए भाई चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और भाई ये मेरी तरफ से रेकमेंडेड रहने वाला है आपको। तो बाकी यार अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, 2 लाख सब्सक्राइबर फटाफट से करवा दो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और कमाल के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।